व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया? पिछले कुछ समय से एक ट्रेंड काफी चल रहा है और ये ट्रेंड है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, जिसके तहत तमाम विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत की नेगेटिव इमेज दुनिया को दिखाने में लगे हुए हैं। और खास बात यह है कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया ट्विटर यानी कि एक्स पर एक एजेंडा के रूप में चलाया जा रहा है। इन अकाउंट्स में भारत के खुले में पेशाब करना, धोखाधड़ी, खाने के तरीके और गंदी और भीड़ भाड़ से भरी सड़कों और गलियों को दर्शाया जा रहा है। ऐसे वीडियोस पोस्ट कर कुछ लोग भारत को निशाना बना रहे हैं, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 12-13 दिन से ये पूरा एजेंडा सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ट्विटर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा है, जिसके चलते व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया इस समय जानबूझकर ट्रेंड कराया जा रहा है। लेकिन ये पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भारत के खिलाफ ये अभियान चला तो भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपना दम दिखाया और सोशल मीडिया वॉरियर्स की तरह वो इसमें कूद पड़े। उन्होंने भी दूसरे देशों की कमियों को उजागर करना चालू कर दिया और दूसरे देशों की भी वो सारी वीडियोस पोस्ट करनी शुरू कर दी, जिसको देखकर विदेशी सुलग गए। पर इसमें हमारे इंडियन यूजर्स ने वही कैप्शन लिखा जो विदेशी लिख रहे थे, यानी कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया गया। सुनिए, इलॉन मस्क का ट्विटर जानबूझकर इस कैप्शन को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि प्रमोट कर रहा है। तो ऐसे में जैसे ही आप व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया लिखेंगे, ये पोस्ट वायरल हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूं ही कोई नॉर्मल पोस्ट करेंगे तो वो इतना आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बस हमारे इंडियन सोशल मीडिया वॉरियर्स ने इलॉन मस्क का दांव पलट कर रख दिया। हमारे इंडियन वॉरियर्स के साथ साथ अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो भारत के साथ आकर खड़ी हो गई, जिनमें एक इजराइल भी है। इजरायली दूतावास इस हेट कैंपेन को ही पलटने में मदद कर रहा है। इसी में एक है इजरायली एम्बेसी इन इंडिया का ये पोस्ट। इजरायली एम्बेसी इन इंडिया ऑल्सो ज्वाइन द वायरल ट्रेंड विद अ ह्यूमरस ट्विस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, लेकिन जो वीडियो इन्होंने डाला वो वाकई हेटर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा था। पूरा वीडियो खत्म होते ही एक लाइन आई जिसमें लिखा था एवरीथिंग्स गुड अबाउट इंडिया विद द हैशटैग इजराइल लव इंडिया। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत। खैर, कमिंग बैक टू द रियल इश्यू कि कैसे हमारे इंडियन वॉरियर्स ने इस वर्चुअल जंग में कूदने का फैसला किया। ईशान त्यागी नाम के एक शख्स का एक्स अकाउंट आपको दिखाते हैं, तो देखिए कैसे इस भारतीय ने इस विदेशी के ट्वीट को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। ईशान त्यागी नाम के सोशल मीडिया यूजर ने अपने हैंडल पर लिखा, मेरे इस पोस्ट से पता चलता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किस तरह का खेल चल रहा है। मेरे सिर्फ 100 के करीब फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेरी व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया वाली पोस्ट को आश्चर्यजनक रूप से लाखों लोगों ने देख लिया है। इससे पता चलता है कि एक्स का एल्गोरिदम भारत और भारतीयों के खिलाफ आर्टिफिशियल तरीके से पोस्टों को बढ़ावा दे रहा है। ये सब तब हो रहा है जब कुछ ही दिनों बाद देश में लोकसभा चुनाव है। आसान भाषा में समझें तो ट्विटर या आज की भाषा में एक्स भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा है। इलॉन मस्क ने ऐसा एल्गोरिथम बना दिया कि भारतीय अगर अन्य देशों के विषय में कमी निकालते हैं तो वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया में तो ऐसे में भारतीय यूजर्स ने इस भारत विरोधी अभियान को अपने हक में लाने के लिए इसे हाईजैक कर लिया। भारतीय यूजर्स ने ट्विटर की तकनीक उसके खिलाफ ही अपनाई और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया। चलिए अब समझिए कि ये एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम हर वेबसाइट हर प्लेटफॉर्म का एक सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज कब कहां और कितनी दिखेगी, कौन सी चीज होम पेज पर दिखेगी। कई बार प्लेटफॉर्म अपने आप कई चीजों को देखने के लिए रिकमेंड करता है। यही रिकमेंडेशन एल्गोरिदम के माध्यम से होता है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी दावा किया कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया कीवर्ड को इलॉन मस्क के मालिकाना हक वाली एक्स कंपनी जानबूझकर ट्रेंड करवा रही है ताकि भारत की इमेज छवि खराब हो सके।
इसका खुलासा तब हुआ जब कई इंडियंस ने व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया लिखकर दूसरे किसी देश की तस्वीरें शेयर की और ये हैशटैग देते ही, जैसे ही उन्होंने ये हैशटैग दिया, इसे देते ही उन्हें भी अच्छी खासी रीच मिली और वो वीडियो चंद ही मिनटों में ट्रेंड करने लगा। अपने ट्वीट के जरिए अभिषेक नाम के शख्स ने तो इलॉन मस्क की बैंड ही बजा दी। देखिए, इसी हैशटैग के साथ जब इन्होंने ट्वीट किया तो उनकी रीच 4 लाख से ज्यादा पहुंच गई। लेकिन भारतीयों ने इंटरनेट पर चलाए जाने वाले भारत विरोधी कैंपेन की हवा निकाल कर रख दी है। साथ ही साथ उन्होंने पश्चिमी देशों की वो सच्चाई सामने ला दी है जो पश्चिमी देश उनकी मीडिया और कॉलोनियल मेंटालिटी वाले नागरिक छुपाना चाहते हैं। खास बात यह है कि इंटरनेट पर भारतीय आम नागरिकों की इस फौज को भारत सरकार का समर्थन भी मिला। सरकारी हैंडल माई गवर्नमेंट इंडिया से इसी श्रृंखला में भारत की उपलब्धियों को दिखाते हुए एक ट्वीट किया गया और टाइटल दिया गया व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सरकार का यह ट्वीट ट्रेंड करने लगा और कुछ ही देर में इसकी रीच 15 लाख से ऊपर पहुंच गई। तो यह सब एक एजेंडा के तहत किया गया। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो भारत की तरक्की से जलते हैं। यह सब किसने शुरू किया, इसका खुलासा तो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन जब से झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, तभी से विदेशियों ने हेट कैंपेन शुरू कर दिया। हालांकि घटना के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेशी हैंडल्स ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत को दुनिया की दुष्कर्म राजधानी घोषित करने की कोशिश शुरू कर दी गई। विदेशी ट्विटर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। विल यू बिलीव इफ वी से 12 मार्च तक इस कीवर्ड को मेंशन करते हुए 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए। इस नेगेटिव कैंपेन को पलटने के लिए ऐसे कई विदेशी इन्फ्लुएंसर्स भी आए जो भारत के कल्चर, उसकी तहजीब, यहाँ के लोग और यहाँ के खान पान की काफी सराहना करते हैं। उन्होंने भी व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के टैग के साथ भारत की अच्छी छवि दिखाई। ये वीडियो शेयर किया है आनंद नाम के एक शख्स ने। आई लेफ्ट माय वॉलेट ऑन द ट्रेन। चिराग, तो फिलहाल इलॉन मस्क के एक्स का ये कैंपेन और इसका एल्गोरिथम बिल्कुल फेल होता दिख रहा है। इंडिया के खिलाफ चलाया गया हेट कैंपेन अब खुद विदेशी मुल्कों पर भारी पड़ रहा है और इसका शिकार ये विदेशी मुल्क खुद ही हो गया है। ये मोदी के परिवार की ही ताकत है कि भारत के खिलाफ आंख उठाने वाले हर उस इंसान को जवाब दिया जाए जो भारत की उपलब्धियों से जलता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।